बारे में, क्या सिचुएशन है और किस तरह का ये टीम है और कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि आज दिन बहुत खूबसूरत है और गाना रोमांटिक खाना है, ड्रीम सीक्वेंस है। हमारे डायरेक्टर साजिद अली ने मुझे कहा कि ही इज़ फैंटेसाइजिंग एंड तो जब ट्रैक सुना तब वो इमेजेस मेरे आंखों के सामने आ गए क्योंकि ट्रैक में वो एक पेस है मुकद्दरगर सिकंदर वाला या फिर शाहरुख खान दीवाना में या फिर ऋषि कपूर के जो गाने या बच्चन साहब के जो गाने बाइक पे या अजय देवगन जितने भी दौर आए तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग गाना है, रोमांटिक गाना है, खूबसूरत गाना है, सिंपल गाना है। हमारे पूरे जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स जितने भी महान कंपोजर्स रहे हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि गाना उनको बहुत आता था और वो सिद्ध कर चुके इतने सालों के हिट से। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने जानकार होने के बावजूद वो ऐसे गाने कंपोज करते थे कि जो आम आदमी जिसको गाना नहीं आता वो भी एक एक बार सुनकर उसको उठा ले। तो ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक बहुत ब्रिलियंट कंपोजर होना एक है और ब्रिलियंट कंपोजर्स एक आम आदमी के लेवल पर आकर उनको गाना दें जो उनके लब पे एक सेकंड में चढ़ जाए, वो उपलब्धि भी बहुत बड़ी बात है। और घायल जी के बारे में जानना चाहूंगा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफी काबिल लिरिक्स राइटर हैं, काफी दिनों से इंडस्ट्री में, उनके बारे में कुछ बताइए। राइट, आज मैं उनको एज अ कंपोजर मिल रहा हूँ एंड मैं उनको आज पहली बार मिला हूँ तो गाना पसंद आया मुझे, लिरिक्स भी अच्छे हैं एंड कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े हमें क्योंकि गाना सिर्फ हिंदी नहीं पर मराठी में भी हो रहा है। बहुत बड़ा कल्चर है, आज हम बम्बई महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र म्यूजिक और फिल्मों की जो संस्कृति है वो जितनी पुरानी हिंदी है उतने ही पुरानी मराठी, दादा साहेब फाड़के मराठी हैं, थे, हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी आत्मा, उनकी जो आज सबसे बड़ा अवार्ड जो हमारे देश में है आफ्टर द प्रेसिडेंट अवार्ड जिसको नेशनल अवार्ड कहते हैं, पहले उसे प्रेसिडेंट्स अवार्ड कहते थे, तो वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, वो अपने आप में उसी लेवल पे है। तो हमेशा गर्व होता है कि मैं मेरी मातृभाषा जो मराठी भी है और हिंदी भी है हम मराठी में गाएं। लता जी ने, आशा जी ने, सुधीर फड़के जी ने, अजीत कड़कड़े जी ने और बहुत सारे लेजेंड्स हुए हैं जो पहले भी थे, तो अच्छा लगता है कि हम श्रीनिवास खड़े जी, हालांकि उन्होंने फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक नहीं दिया मगर इतने मेरे फेवरेट कंपोजर्स हैं, हृदयनाथ मंगेशकर जी, श्रीनिवास खड़े जी, तो अच्छा लगता है जब मराठी में गाने हम करें। सर, ये डिजिटल मीडियम काफ़ी ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में, तो सिंगल्स आते हैं काफ़ी सारे, तो आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्यूचर में, कुछ बताइए इस बारे में। हम अपना म्यूज़िक कर रहे हैं, हम यू नो कंपोजिंग भी कर रहे हैं क्योंकि दौर ऐसा है ना कि यू हैव टू बी ए कंप्लीट, यू हैव टू बी कंप्लीट। वो दौर कम हो गया है जहाँ पे कंपोजर्स सिंगर्स को बुलाते हैं, यहाँ पे सिंगर्स अपने खुद के गाने बनाकर गा रहे हैं और कंपोजर्स अपने गाने खुद बनाकर गा रहे हैं, तो वो दौर कुछ 10 सालों से ये चल रहा है एंड इट्स अ गुड चेंज बिकॉज यू नो एवरीबडी कैन देन देयरफॉर टेक क्रेडिट फॉर देयर ओन वर्क। सर का स्वभाव तो पहली बार जब कॉल किया मैं बोला सर मैं पहली बार आपसे कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको सोचकर ही गाना बनाया, तो सर ने ना नहीं क्या बोला कोई बात नहीं आप पहले मुझे गाना भेजिए, गाना भेजने के बाद सर ने बिल्कुल, मैं बोला सर हम बस आपको सपोर्ट करना, तो मुझे इनका स्वभाव अच्छा लगा कि एक बार में सर ने ना नहीं किया, बोला ठीक है कब करना है आप डेट रखिए, टाइमिंग किया और मेरे हिसाब से सर आ गया, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब आज भी डाउन टू अर्थ है सर, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है कि नेचर यही होना चाहिए कि एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को कितना सपोर्ट करते हैं आज के सिंगर, क्योंकि एस्टेब्लिश सिंगर है सर, सर के हर गाने में सुनता हूँ। तो कुछ गाने क्या होते हैं, किस तरह का ये बोली, किस तरह ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसके बोल सर गा रहे हैं, मुस्क सा महका मेरा वजूद सारा जो सर गा रहे हैं और उसी गाने को मराठी लैंग्वेज में भी गा रहे हैं सर, तो मुझे खुशी हुआ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला और मैं चाहूँ आगे भी सर मुझे सपोर्ट करें, ऐसे सिंगरों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि सर का इंटरव्यू देखा था कभी बोलते साधना दी जिनको आता था, तो उस वक्त का मुझे अच्छा लगा कि सर बोलते मैं गाता तो आपका सुना था सर मैंने इंटरव्यू, तो बहुत अच्छा लगा आपकी वो नेचर हमेशा। मेरा ये हुआ है कि मुझे अच्छे लोग
मिले हैं मेरी जर्नी में, और कोई रीज़न नहीं मिलता मुझे कि किसी से हम रूडली पेश आए, या क्योंकि हम जो काम करते हैं वो बहुत नाजुक काम होता है, गाना बजाना। जैसे किशोर दा ने एक बार लता जी को कहा था, एक ही इंटरव्यू दिया है किशोर दा ने टीवी के लिए, लता जी को अपने घर में दिया था, तो बहुत अच्छी चीज़ बोली थी वो। किशोर दा अपने अंदाज में बोलते थे, किशोर दा ये कहते थे कि लता एक्टिंग झूठी होती है पर गाना सच्चा होता है। तो अब इतनी अगर हम पवित्र चीज़ को अगर हम कर रहे हैं, एक्टिंग झूठी इसलिए कहते थे क्योंकि किरदार होता है, किरदार आप आज एक निभाया कल दूसरा निभाया। गाने हालांकि हमें उस कलर में ढलना पड़ता है, पर अगर ज़रा भी ईमानदारी कम हो गाने में तो वो सुनने वाले को नहीं छूती, क्योंकि वो हमारी सांस यूज़ होती है, और सांस ये जो प्राण शक्ति है, जो ये सबसे बहुत इस पूरे कॉस्मोस की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी है ये, तो बहुत गहरी बात कही थी। तो वो बात बहुत सालों के पहले जब मैंने जस्ट गाना शुरू किया था 90s में, तब वो इंटरव्यू मैंने देखा था, और तब वो बात मेरे से रह गई कि अगर इतनी नाजुक चीज़ को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो फिर किसी के दिल को तोड़ना या किसी को बुरी तरह से पेश आना कोई मज़ा नहीं है उसमें। सर के लिए इतना ही कहूँगा, कहते हैं ना मुझे पहचानो या ना पहचानो, मेरी आवाज़ तो पहचानोगे, कभी तन्हाई जब सताएगी मेरे नगमों को गुनगुनाओगे। और उसमें यही चाहूँगा कि सर के नगमों को लोग गुनगुनाएं। जब इनका एक गाना है ऋतिक जी के फिल्म में, जिंदगी थोड़ी सी इतना प्यारी मीठी है, इतना प्यारा 100 ग्राम जिंदगी, इतना प्यारा गाया सर ने कि मतलब टच करता है दिल को। मैं बार बार उस गाने को सुनता हूँ, मैं मतलब अभी भी सर रियल बताऊँ, ये गाने की बात निकली तब अभी राम जेठमलानी जी गुजर गए, तब मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जो बहुत बड़ा लॉयर है इस देश का हमारे, और वो ऐसा लॉयर है कि वो सिर्फ जेन्युइन केसेस होते हैं, जब उसको पता, वो वही केसेस लेता है जहाँ उसे पता है कि वो सत्य को डिफेंड कर रहा है, पहले ही पूछ लेता है कि मुझे आप बता दो, क्लाइंट को बोलता है वो, अगर आप झूठ को मेरे से छुपा रहे हो तो फिर मैं जिस दिन मुझे पता चलेगा, वो इतना ईमानदार है। तो ऑब्वियसली राम जेठमलानी इतने बड़े लॉयर रहे हैं इस देश के, तो एक बार राम जेठमलानी ने उनको, वो गुनगुना रहे थे ये गाना 100 ग्राम जिंदगी, तो फिर उन्होंने उनको कहा कि अरे ये तो मेरे दोस्त का गाना है, तो बोले उसको ज़रूर बताइए कि ये मेरा जिंदगी में मेरे टॉप 10 जो गाने हैं जब से मैं बच्चा था, तो कौन सा गाना कहाँ किसको छू जाए, बहुत प्यारा गाना है, ऊपर वाले का आपने गाया, मतलब बार बार जिसे भी सुनो तो ये गाना जो है आज का, वो उसमें वो एक क्या कहते हैं अनटेंटेड लव, जिसमें वो कैलकुलेटेड लव हो या फिर 2+2=4 ये वाला नहीं, ये 9-2=11 वाला नहीं, ये बहुत सीधा सा एक वो फैंटेसी में खो जाता है वैसा है, यू नो। ये बायलैंग्वेज फिल्म है, मराठी हिंदी में हम लोग कर रहे हैं शूटिंग, इसमें मोहन जोशी सर है, अशोक शिंदे है, श्यामा निनावनी जी है, और सिया पाटिल है, प्रवीण जी है, और मेन लीड प्रवीण जी कर रहे हैं। बेसिकली एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी है, लव है, ये सब चीज़ें उसमें डाली है हम लोग ने एंटरटेनमेंट के हिसाब से। तो कोशिश की कर रहे हैं हम लोग के लोगों को ये पसंद पड़े, क्योंकि पब्लिक माय बाप है, माय बाप को जब पसंद आ जाएगा तो हमारी फिल्म हिट ज़रूर होगी, आपका आशीर्वाद का ज़रूरत है। प्रवीण जी, जी डबिंग आर्टिस्ट करके आप बहुत सारी इंडस्ट्री में जाने माने डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो डबिंग का आपके फिल्म का इंट्रोड्यूसिंग ये फिल्म में कर रहे हैं, तो कितना आपको डबिंग का अनुभव इसमें काम आएगा? जी मैंने तकरीबन 5-6 languages में काफ़ी डबिंग किया, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, भोजपुरी, उर्दू, हरियाणवी वगैरह वो सब भी। तो हर तरीके की फिल्म और हर लेवल की फिल्म, हर लैंग्वेज की फिल्म करने की वजह से, और सबका टेकिंग, सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका हर किसी का, वो सब काफ़ी अच्छे से मैंने ऑब्जर्व किया है, तो उस सबका फ़ायदा तो मुझे डेफिनेटली होगा ही, और बाकी हमारे डायरेक्टर हैं तो वो मुझसे बेहतरीन करवा लेंगे, इसकी मुझे पूरी गारंटी है, उम्मीद नहीं, और बेस्ट फिल्म हमारी बनेगी। राजीव जी, इस फिल्म का शूटिंग कभी से शुरू कर रहे हैं और कब तक रिलीज का प्लानिंग है? आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिल्म का सॉन्ग रिकॉर्डिंग से, फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुणाल गांजावाला सर कर रहे पहला गाना, तो यहाँ से 6 महीने तक हमारे दिमाग में है कि फिल्म पूरी करें और बाद में
थिएटर में आ जाएंगे, शायद दिवाली तक हमारा प्लानिंग चल रहा है कि वो आ जाए दिवाली के आगे। सॉरी ओके। क्या किस तरह निकुरदार निभा रही है इस प्रोजेक्ट में और क्या किस तरह की फिल्म है ये, क्या है पिछले मिशन की? इस फिल्म में मैं हीरो की माँ का किरदार निभा रही हूँ और माँ के किरदार में बहुत अच्छे शेड्स हैं, उसकी बच्चों के प्रति उसका लगा प्यार, उनके लिए बेचैन होना, खुद की तबीयत के बारे में ना सोचते हुए घर के लिए सोचते रहना, बहुत ही अच्छा रोल है। तो ये जानना चाहूँगा कि काफी समय से आप अभिनय क्षेत्र में, क्या नजर आता है आज के समय में, क्या आपको डिफरेंस नजर आता है, क्या अंतर नजर आता है कि जो कलाकार को मौका मिलता है और हर उम्र के कलाकार को मौका मिलता है, वो काफी काम है? हाँ, मतलब चैनल्स बढ़ने की वजह से काम बहुत है, मतलब ऐसा पहले तो सिर्फ जब हमने काम शुरू की तब सिर्फ डीडी था, फिर एक मराठी सीरियल का ये हुआ दामिनी जो फर्स्ट डेली सोप था, अब तो डेली सोप की कमी है ही नहीं, चैनल्स बहुत है, काम बहुत है, ग्रुपिज्म तो हर जगह है, अपनी अपनी किस्मत है। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बहुत स्तर बढ़ा है बजट के हिसाब से? बजट के हिसाब से बढ़ा है और मैं ये हमेशा मानती हूँ और कहूँगी भी कि मराठी फिल्म्स या सीरियल्स दोनों में हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई अच्छा सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए, ना कि सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, सोते हुए भी गहने पहन के सोएं, उठते हुए भी सोएं, ये नहीं दिखाते, बहुत रियलिस्टिक करने की कोशिश हमेशा रहती है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रीत अधूरी का यहाँ पर मुहूर्त है और इसमें मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ रजनी का, जो बहुत ही अच्छा है, लव स्टोरी है। प्रीत अधूरी से ही पता चलता है आपको कि ये क्या है, लव स्टोरी है और वो भी अधूरी है। तो ये हमारी फिल्म है और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे गाने हैं और शुरुआत तो करेंगे अभी 8-10 दिन में शूटिंग के लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके ब्लेसिंग्स और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे, इतनी ही अपेक्षा। फर्स्ट थिंग तो आज ही पिक्चर का मुहूर्त है और सेकेंड थिंग अच्छा मुहूर्त हो रहा है कि कुणाल गांजोला के हाथ से मतलब ओपनिंग सॉन्ग हो रहा है और इस मूवी के लेके बहुत कुछ इसी बातें जुड़ी, मतलब स्टोरी अच्छी है और बहुत अच्छा माहौल जम रहा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है। मतलब राजेश घायल, इसके सामने बहुत पहले भी मैंने प्रोजेक्ट किए हुए और इसी का ही म्यूजिक डायरेक्टर वही कर रहे हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बनने वाला अभी देख हम लोग देख रहे, काम वर्किंग देख रहे चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे शुरुआत की, क्या क्या किया अभी तक, आगे क्या करने वाले हैं कुछ? अभी फर्स्ट टाइम तो ये अपना फर्स्ट स्टेज ही है और आगे तो बहुत कुछ करना है, अभी ये आई थिंक सो डेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ बट जल्द ही वो फ्लोर पे आ जाएगी मूवी की शूट, जो भी आगे जल्दी आ जाएगी। खुद के बारे में बताइए कि क्या किया इससे पहले आपने, कैसे शुरू? सेकंड थिंग मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 में पूरा शो कोरियोग्राफ किया था और सेकेंड थिंग मेरी दो मराठी मूवी आ चुकी अभी, मतलब फ्लोर पे ही, मतलब नेक्स्ट मंथ या दिसंबर जनवरी तक रिलीज हो जाएगी। और सेकंड थिंग एक गुजराती मूवी का शूट मैं नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ, बहुत अच्छा गाना है, मतलब अभी वो भी फ्लोर पे आएगी, इसका टीजर लॉन्च हो चुका है और दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक वो भी मेरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। आई थिंक सो मैंने 8 या 9 मूवीज की है अभी तक तो। ओके।